सूरज ये बताइए कि अभी जो आपके आसपास लोग खड़े हैं, क्या उम्मीद वाकई में इनकी पूरी हुई है? क्योंकि मध्यम वर्ग को पूरी तरीके से फोकस ये बजट था, लेकिन किसानों को लेकर समर्पित भी कहा जा सकता है, महिलाओं के विकास को लेकर है, और खास करके व्यापार वर्ग, जो व्यापारी वर्ग है, उसको लेकर भी फोकस किया गया है। एमएसएमई मजबूत करने की कोशिश की गई, टैक्स स्लैब और ब्याज दर में कटौती। देखिए निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि व्यापारियों की क्या राय है, और खासकर मैं अभी हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक कक्ष में है, और ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं किशोर मंत्री, हम इनसे ही बात करेंगे, और ये तमाम जो है ये मेंबर्स हम इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे कि आज का जो बजट, जिस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो अपना पिटारा से देशवासियों को सौगात दी है, उस बजट पे इनकी क्या प्रतिक्रिया, आज जो बजट आई है केंद्र की तरफ से क्या कुछ कहेंगे? बहुत स्वागत योग्य बजट है, इन्होंने हर सेक्टर को छुआ है, जो एमएसएमई का हो या कृषि का हो, उद्योग के लिए है, सभी में इन्होंने अच्छा पहल किया है। और यह बजट आने वाले मध्यम वर्गीय परिवार को, मध्यम वर्गीय व्यापारी और उद्यमी को इसका लाभ मिलेगा। आज इलेक्ट्रिक वाहन की बात हुई है, आने वाला दिन इलेक्ट्रिक वाहन का ही है, चीज़ों को पर्यावरण को कंट्रोल करने के लिए, और इलेक्ट्रिक वाहन का सस्ता होना, मुझे लगता है कि हर राज्य में अब इलेक्ट्रिक वाहन का कारखाना संयंत्र लगने में अब देरी नहीं है। आयकर में भी छूट दी गई है, क्या कहेंगे? जी, आयकर में छूट दी गई है, नए लोगों को वो स्लैब बढ़ाया गया है, 5 लाख से 7 लाख किया गया है, वो काफ़ी इंस्पायरिंग है। हम लोग जितने भी जो नए लोग आ रहे हैं वो काफ़ी इंस्पायर होंगे, और 5 स्लैब किया गया है, उसमें भी बढ़ोतरी की गई, 10 लाख से 15 लाख किया गया, वो भी बहुत अच्छी बात है। पिछले साल की तुलना करें तो इस साल का कैसा रहा? ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये बजट काफ़ी पॉजिटिव है, और पिछले साल क्या, पिछले 7-8 साल से हम इंतजार कर रहे थे, 2014 के बाद में टैक्स स्लैब चेंज नहीं हुआ था, और खासकर अभी अब रिसेंटली हम बात करें तो जिस हिसाब से बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, मुद्रास्फीति बढ़ी है, तो लोगों की इनकम जो 5 से 7 लाख किया गया है, तो लोगों को बहुत फायदा होगा इससे, चाहे व्यापारी हो, चाहे आमजन हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे लोअर वर्गीय हो, सबको उससे बहुत फायदा होगा, और डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड बजट। अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल सारे क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया गया है, स्पेशली अगर झारखंड की बात करो तो ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए जो 15,000 करोड़ का जो स्पेशल इन्फ्यूजन प्रधानमंत्री योजना की तरह आ गया है, वो बहुत अच्छी पहल है। दूसरा है कि अगर रेलवे की बात करें तो 2,40,000 करोड़ का जो इन्फ्यूजन हुआ है, झारखंड में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है, तो हमें डेफिनेटली कुछ ज्यादा ट्रैक्स मिलेंगे, रेलवे इंप्रूवमेंट होगा। अगर हम लोग बात करें ट्रांसपोर्टेशन की तो 75,000 करोड़ का इन्फ्यूजन हुआ है उसमें, तो डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का हमें बहुत जरूरत है। 50 नए एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो शायद 1-2 हमें भी नए और अच्छे एयरपोर्ट्स मिलेंगे। 50 अगर हम लोग टूरिज्म अगर प्लेस की बात करें नए चिन्हित हो रहे हैं, तो हमारे पास जो पारसनाथ हो गई, इटखोरी हो गई, चतरावली जो है, तो बहुत सारी जगह है जहां पे हमें चांसेस है कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिल सकता है। शिक्षा की बात करें तो जो 40,000 नए, लगभग 38,800 नए एकलव्य टीचर्स की बात हो रही है, जो नए यूथ का अगर बात है, जैसे ITI बेसिस पे जो बात हो रही थी हमारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो उसमें जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, 3D प्रिंटिंग हो गई, ये सभी जो सिखाया जाना है, खासकर जो नए बच्चे उसके हिसाब से काम कर पाएंगे, अपने आप को एक्लेमेटेट कर पाएंगे, हम लोग वर्ल्ड लेवल पर फाइट कर पाएंगे। तो लगभग जिस भी दृष्टि से बात करें, किसानों की दृष्टि से बात करें, तो जो नया जो एग्रीकल्चर जो फंडिंग इन्फ्यूजन है, और जो नया उसमें डिजिटलाइजेशन है, तो वो भी बहुत अच्छी है। तो हर एक दृष्टि से, और अगर हम जैसे ऑटोमोबाइल में जो हमारी सूरज एक सवाल है, क्योंकि देखिए पिछली बार जिस तरीके से टैक्स स्लैब 2014 में परिवर्तित किया गया था, 5 लाख तक एक तरह से छूट दी गई थी, लेकिन सवाल ये जो 7 लाख का किया गया, क्या इसमें कोई टर्म एंड कंडीशन है? जरा चूंकि ये सभी लोग चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, ये बकायदा इस पूरे गणित को समझते हैं, जरा ये पूछिए क्या 7 लाख पूरी तरीके से टैक्स फ्री है, या इसमें भी कोई टर्म एंड कंडीशन है पिछली बार से इस बार परिवर्तन में? ये अभी जो बजट आई है, क्या 7 लाख पूरी तरह से टैक्स फ्री है? नहीं, पूरी तरह से टैक्स फ्री है या फिर नहीं? जिन व्यक्ति की सकल आय 7 लाख है, उनको किसी तरह का टैक्स नहीं देना है, लेकिन जिनकी आय ज्यादा या कम है, आपने इसमें देखा होगा स्लैब, हमारे वित्त मंत्री ने बताया 3 लाख तक पूरी तरह से फ्री है, 3 से 6 लाख तक 5% है, 6 से 9 लाख तक 10.5% है, 10% जी बताएं, आप बताएं, 6 से 9 10% है, 9 लाख से 12 लाख 15% है। और हमें जहां तक एक चीज मैंने हम बोलने चाहते हैं, मैनहोल का जो सफाई कर्मी जो है, अभी तक हम लोग देखते हैं मैनहोल सफाई कर्मी लोग
अंदर में जाके सफाई करते हैं। इस बजट में उन लोग को जो प्रोविजन जो किए हैं अभी से सारे ये बड़ा अच्छा कदम है सूरज, लेकिन ये पूछिए कि 3 से 6 लाख में किनके लिए ये 5% का टैक्स स्लैब है? क्या नौकरी पेशा जिनकी फिक्स सैलरी की इतनी ही आएगी, या जैसे बता रहे कि अगर उसमें फ्लक्चुएशन होता है तो वो ज्यादा दायरा बढ़ जाएगा? ये जरा क्लियर करिए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के भीतर यही मैसेज है कि भाई 7 लाख तक फ्री है पूरा। झारखंड में जो होगी ये आपको रांची में ही होगी वो चीज हमको बहुत अच्छा लगा। हाँ जी बोलिए। 3 से 6 लाख तक के लिए जो टैक्स फ्री किए गए वो किन वर्गों के लिए किए गए? अभी तक तो थे 2.5 लाख, अभी हो गया 3 लाख, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, ठीक है, फिर भी छूट मिली है। और प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में 66% जो एनहांस किए हैं वो भी बहुत अच्छी बने। जी आपका ओन होम सिस्टम में 66% का इजाफा हुआ, वो बहुत बड़ी चीज़ है। उससे गांव के मजदूरों को और जो भी बिल्डिंग मटेरियल है उसकी डिमांड को सहायता मिलेगी और लोगों को घर मिलेगा। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छी चीज़ है। हॉस्पिटल पहले होते थे उसके साथ नर्सिंग की दिक्कत आती थी, तो अभी 157 नर्सिंग स्टेशन खुल रहे हैं जिसमें मेरे ख्याल से अगर 500 भी रखें तो काफ़ी करीब 75,000 नर्सेस तैयार होंगी एक वर्ष में। अगर कुल मिला के ओवरऑल हम कहते हैं, अगर कहा जाए ये बजट कैसा रहा 2023 और 24 की? बजट बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही शानदार रहा, पिछले सारे सेक्टरों में या सब सेक्टर्स को मिलाकर। इट इज़ नॉट फॉर मीडियम क्लास और लोअर क्लास और हायर क्लास, सब लोगों को मिला, बहुत बैलेंस्ड बजट है। और अगल बगल में जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, लंका में जो हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ताकि हम मजबूती लाएं, और तभी हम लोग आज 7% के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आसपास जो अभी पाकिस्तान में हो रहा है, बांग्लादेश में और लंका में हो चुका है, उसका बहुत बड़ा असर हम लोगों पर पड़ने वाला है। उसको ध्यान में रखकर भी किया गया है कि हम लोग अंदर से मजबूत रहें और हमारा फाइनेंस बहुत मजबूत है। अभी भी देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, होती रही एक बात के बाद समझिए क्योंकि सभी लोग कॉमर्स के टेक्निकली स्ट्रांग लोग हैं। जरा ये कंफ्यूजन जो इसका दूर करवाइए कि वाकई में 7 लाख तक पूरी तरीके से फ्री है नहीं है, तो किसके लिए फ्री नहीं है? 3 से 6 लाख का जो टैक्स स्लैब ये क्या है? पिछले टैक्स स्लैब से अगर परिवर्तन किया गया तो वो अंतर क्या हुआ है? ये पूरी तरीके से क्लियर करिए। 7 लाख और 3 से 6 लाख वाला जो कैप है ये असल में क्या कहता है, क्या परिवर्तन है, कहां तक वाकई में कौन सा जो वर्ग है उसके लिए छूट है, किसके लिए नहीं है? ये 7 लाख और 3 लाख के बीच का जो फर्क है, जो गैप है, वो किनके लिए? थोड़ा डिटेल्स बताएं हमारे दर्शकों को, और ये बेनिफिट किसे मिलेगा? ऐसे लोग जिनकी आय 50,000 से थोड़ी ज्यादा 7 लाख के अंदर, उनको पूरी तरह किसी भी तरह का कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे लोग जिनकी आय 7 लाख से ज्यादा है उनके लिए स्लैब है। 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख, 15 लाख का जो स्लैब है वैसे लोगों के लिए जिनकी आय 7 लाख से ज्यादा है। लेकिन जिनकी आय 6,99,999 होगी उनको किसी भी तरह का एक भी पैसा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये जो कम आय